आम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए सहारा कश्मीर, सहारा कश्मीर हर न्यूज के साथ। दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरावत को कुचल देते हैं हालात। आज गांधरबल में गाइड द प्रोफेशनल ने जिला गांधरबल पुलिस और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के ताउन से साइबर क्राइम के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए एक बाइक रैली का इनेकाद किया। प्रोजेक्ट मैनेजर रिजवान शौकत ने तायीद किया। ये एक कहानी शाया करने के लिए डायरेक्टर सभा भट्ट के इकदाम की बुनियाद पर पेशावर अफराद की रहनुमाई करूंगा जो साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के मसले पर रोशनी डालेगी। गुलाम हसन DYSP हेडक्वार्टर गांधरबल और प्रोफेसर फयाज अहमद डेम स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने डिजिटल डायरी में चौकसी की अहमियत पर जोर दिया। इस मुश्तरका कोशिश का मकसद पेशेवर अफराद की रहनुमाई के लिए इल्म और दानिश का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिटी को साइबर क्राइम से बचाना है। उन्होंने इस कदम को कामयाब बनाने पर तमाम स्पॉन्सर्स और शुरका का शुक्रिया भी अदा किया। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफीक की खसूसी रिपोर्ट। के साथ कितने भी रिपोर्ट्स आते होंगे या फाइनेंशियल जो रिपोर्ट होते हैं, इनफैक्ट ईमेल आईडी हैक वगैरह हुए हैं, एंड वी वांटेड टू डू अ डेमो एज वेल। किसी को अगर पता करना है कि ईमेल आईडी हैक है कि नहीं है, आई ऑन स्टेज पैसा फिलहाल बाइक रैली टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम्स इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांधरबल एंड विद सपोर्ट from other organizations like School of Business Studies, Central University of Kashmir. Dil ke liye maut mashinon ki hukumat, ehsaas-e-muravat ko kuchal dete hain halaat. Dean sir has elaborated the issues and most of the corners have been covered. From last couple of decades we are seeing a revolution in the computer and smartphone in our society through smartphone and computers. In all spheres of our lives, the smartphone and computers have entered, and be it our personal communications among the society, be it the official communications, or be it the financial transactions, all the communications are nowadays being taken through this medium, through computer or smartphones. देखिए, हम टाइटेनियम फिटनेस गांधरबल ने कोलैबोरेशन किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ, और इसमें बाकी बहुत सारे हमारे कोलैबोरेशंस में रहे हैं। इसमें ये एक मेन है कि एक अवेयरनेस हो जाए साइबर क्राइम के लिए, जो भी आजकल क्राइम्स फ्रॉड सबके साथ, छोटे बड़े जो पढ़े लिखे हैं उनके साथ, जो नहीं पढ़े लिखे उनके साथ भी होते रहते, तो एक अवेयरनेस थोड़ा हो जाए। इसी के लिए रिलेटेड हमने एक बाइक राइड रैली स्टार्ट किया जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ग्रीन कैंपस से स्टार्ट होकर यहाँ पर एंड हुआ है। तो इसमें बस यही एक अवेयरनेस है, और ऐसी रैलीज अभी टाइटेनियम फिटनेस गांधरबल बहुत सारे बाकियों के साथ कोलैबोरेट करके कंटिन्यूसली फ्यूचर में हम करते जाएंगे, ताकि एक यूथ को कोई प्लेटफॉर्म भी हम प्रोवाइड करें, ताकि कोई डिप्रेशन से दूर जाना चाहे, कुछ भी हो, हम अवेलेबल है, हमेशा उनकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो ये एक रैली हमने अभी एक इनिशिएट किया, और फ्यूचर में अभी बहुत सारी ऐसी रैलीज हम करते जाएंगे। हमें इन्विटेशन आया था टाइटेनियम फिटनेस की तरफ से, तो ये रैली साइबर क्राइम के रिलेटेड है, तो इसी के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं कि ख्याल रखें कि इंटरनेट पे सब चीज़ों पे बिलीव ना करें। कोई भी वो जो अनसेफ साइट होती है, जो आप जिस पे आपको भरोसा नहीं हो, उस पे क्लिक ना करें। आपकी सिक्योरिटी, आपका सारा टाइम, आपका सारा पैसा उसमें बर्बाद हो सकता है, उससे चला जा सकता है। तो इसीलिए ख्याल से इंटरनेट का इस्तेमाल करें, और अपनी भी जो आपकी अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें। हम स्टूडेंट्स थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के, तो हमें बताया गया ऐसे रैली हो रही है साइबर क्राइम के रिलेटेड, एक रैली निकल रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो हमारे बहुत सारे ये कोलैबोरेशन विद JK पुलिस था। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ JK पुलिस को कि वो उनने ये ऑर्गेनाइज की ऐसी रैली। हमारे साथ खुद थे, पूरा पुलिस फोर्स था हमारे साथ, जिनने पीसफुली ये रैली
अंजाम दिया वो गाइड हमारी जो कंपनी है गाइड द प्रोफेशनल्स और इन कोलैबोरेशन में हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और गवर्नमेंट जे एंड के पुलिस गांदरबल को लिया है और हमारी जो मेंटोर है दैट इज प्रोफेसर गीता सिंह She is in Delhi University as director for CPDAG. तो हमने ये देखा कि हम लोगों ने J&K में नहीं पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में इस टाइम साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं साइबर क्राइम्स हम लोग बहुत डिस्कस कर रहे हैं लेकिन साइबर सिक्योरिटी के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं साइबर अवेयरनेस के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और हमें लगा कि जब तक हम सारी दुनिया को फिलहाल हम स्टार्ट अपने घर से करें तो हम लोगों ने सोचा बिकॉज मुझे बहुत सारे केसेस गांदरबल पुलिस के थ्रू आए थे मतलब ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस के पास जाना नहीं चाह रहे हैं देयर इज अ सोशल फोबिया दे डोंट गो सो आई गेट मेनी कॉल्स फ्रॉम सम जर्नलिस्ट्स आल्सो कि ये केस है वो केस तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट वी स्टार्ट विद अ मास अवेयरनेस जिसमें हम लोगों को बताएं कि साइबर क्राइम भी होता है साइबर फ्रॉड भी एक क्राइम है और इससे बचने के लिए अवेयरनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो डूज एंड डोंट्स हम लोग कर सकते हैं वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट करना है सो इन दैट इनिशिएटिव हम लोगों ने कलेक्टिवली डिसीजन लिया मेरी पूरी टीम ने इसके साथ डिसीजन लिया वी विल डू इट तो जिसमें हम लोगों ने अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से एक रैली बाइक रैली स्टार्ट की और सब लोग कह रहे थे वाई बाइक रैली इसलिए बिकॉज हमारे जो बाइकर्स हैं वो हमेशा बदनाम रहते हैं कि वो सिर्फ स्टंट्स करते हैं बट दीज बाइकर्स आर देयर इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ बाइक्स एज वेल तो उसको अगर हम एक पॉजिटिव मैसेज के लिए एक अवेयरनेस के लिए और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग करें इट इज फन फॉर द पीपल हु लव बाइक्स बट सेम वे वी आर इन फन वी आर गिविंग अ मैसेज एज वेल सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज इवेंट as well.